अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? सर जहां रहें जी खुश हैं। आज का जो टॉपिक है वो नेल्स के ऊपर है। अच्छा, आर्टिफिशियल नेल बेशुमार किस्म के मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम होता है कि अक्सर वो कहीं हम फंक्शन में जाएं तो हमें हमारा ध्यान ना रहे तो वो टक से उतर के नीचे गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। वो नहीं लगाती तो नेल पॉलिश ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे ये मार्केट में नजर आए थे, मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं ये कैसे हैं। इनका गिरने का भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, चाहे आप पानी से हाथ गीले करें या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों को वो उतरेंगे भी नहीं और ना ही आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा उनको। जैसे आप लोगों ने नमाज वगैरह पढ़नी है, फौरन से आप लोगों ने उतारने हैं तो वो आसानी से उतर भी जाते हैं। तो ये वाले जो है नेल स्टिक्स बहुत ज्यादा आजकल ये चले हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये लगाने में कैसे नजर आते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, नहीं कंफर्टेबल रहते या फिर उतर जाते हैं। तो चलें जी हम इनको ट्राई करेंगे। अच्छा, जिस तरह टाइम के साथ साथ जो है हमारा कंफर्टेबल लेवल भी चेंज हो जाता है। पहले मैं बहुत ज्यादा वो नेल्स लगाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, अब तो है वो बिल्कुल भी मैं लगाना पसंद नहीं करूंगी। उतर जाते हैं कहीं फंक्शन पे, आगे पीछे बच्चों को संभालते हुए वो उतर जाते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मैंने सोचा फंक्शन पे जाना है तो ये वाले ट्राई करेंगे कि ये वाले कैसे रहते हैं। अगर तो अच्छे निकले तो फिर इसको हम फंक्शन पे भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी होता है लगाना और उतारना। इसके ऊपर जो है ना पीछे बैक पे सारी इंस्ट्रक्शन इसकी लिखी हुई है, चाइनीज में है और नीचे साथ उन्होंने इंग्लिश में भी लिखी हुई है। और है ये इस तरह का पैक आता है और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ डिजाइन के आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल होंगे। जब मैं गई थी मुझे बस बहुत ही थोड़े से डिजाइन रह गए थे, बड़े अच्छे लगे हैं तो मैंने सोचा मैं इनको ट्राई करती हूँ। अच्छा, 12 पीसीज हैं इनके अंदर और इसको खोल लेते हैं। ये इस तरह के और उसके अंदर और साथ क्या इसके अंदर है, ये फाइलर छोटा सा और साथ ये है जी। ओके जी, साथ दो वाइप्स हैं, एक ड्राई है और एक जो है वेट वाइप्स है। तो चलें जी हम जल्दी से इनको लगाते हैं। पहले मैं देख लूँ, इसको पढ़ती हूँ किस तरीके से लगाना है, उसके बाद जी हम इसको लगा के भी बताऊंगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। ओके जी, सबसे पहले जो है इन ये जो वाइप्स दिए हैं, मैं इनमें से ड्राई वाला यूज करी है, उसको पूरे जो है ना नेल्स को वाइप आउट कर लिया ताकि कोई भी ऑयल अगर नेल्स पे आए हुए तो वो उतर जाए। उसके बाद जो है एक एक करके आपने इस तरह से लेना है और ये बिल्कुल जो है ना शीट की तरह नेल्स स्टिकर्स हैं और चाहे आप इसका कोई भी डिजाइन पीछे रख सकते हैं, इस तरह से आप लगा लें। मैंने ग्रीन वाला पीछे रखा है, व्हाइट वाला आगे रखा है ताकि जो है ना जो कलर्ड है वो थोड़ा सा नजर आए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस था उसको नीचे करके और अपने नेल फाइलर से आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। अगर ऊपर करके करेंगे तो वो शीट उतरने का और खराब होने का डर होता है, नीचे करके करेंगे तो बहुत ही नीट शीट जो है ना वो उतरेगी। उसके बाद सेकंड वाला ट्राई करते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना नेल्स इनकी थोड़ी सी चौड़ाई मुझे कम लग रही थी, अगर आप थोड़ा सा नेल पेन नीचे लगाएं तो काफी अच्छी लुक आती। ओके जी, जो सेकंड वाला वो भी मैंने इस तरह से लगा लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा शीट है उसको नीचे कर दिया है सारा दबा के और अब नेल फाइलर से जो है इस तरह से करेंगे, बहुत आसानी से जो है ये उतर जाएगी एक्स्ट्रा शीट जो है और बहुत ही नीट सी लुक आ जाएगी। उसके बाद बाकी वन बाय वन करके मैंने इसी तरह से अप्लाई कर लिया। इनमें से दो एक्स्ट्रा थे, यानी अगर कोई खराब हो जाए नेल्स तो आप लोग उसकी जगह वो वाला यूज कर सकते हैं, बाकी है मेरे साथ कोई भी खराब नहीं हुआ था, काफी अच्छे से ये फिक्स हो गए थे। मैंने एक नेल पे लगाए और दूसरे नेल पे मैंने ऑफ कैमरा लगा लिए थे और ये एक पे जो है ना थोड़ी सी मैंने नेल पे नीचे लगाई थी, काफी अच्छी सी उससे लुक आ गई थी। बाकी ये आप लोगों के सामने है ओवरऑल लुक कैसी लग रही है, किस तरीके से मैंने लगाया। आप लोगों के बस नेल साफ होने चाहिए, कोई उस पर जो है ना ऑयली आप लोगों के नेल्स नहीं होने चाहिए। बाकी तरीका आप लोगों के सामने था, बहुत ही इजी सा तरीका था। अच्छा, एक बार मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम थी अगर, क्योंकि साइड से हल्के हल्के व्हाइट से नेल्स नजर आ रहे होते हैं। इसी आप नीचे नेल पेंट लगाए, बहुत ही लाइट सा कलर उसके ऊपर ये लगाए तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इन नेल्स का। जैसे अगर मैंने इस पे वाइट इस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था और मैंने नेल लगा दिया था, इसकी चौड़ाई कम थी और ये इधर से वाइट नेल नजर आ, लेकिन इसके ऊपर मैंने लाइट सा कलर अप्लाई किया था नेल्स का और इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। तो अगर आप लोगों को भी चौड़ाई थोड़ी सी कम लगे तो नीचे हल्का सा नेल पेंट लगा लें और उसको ड्राई होने दें, उसके बाद जो है ये वाले अप्लाई करें। दूसरी चीज थी जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है, इसको मैं दबा भी रही हूँ, खींच भी रही हूँ, काफी देर मैंने इसको लगा के रखा है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उतरे। और ये देखें आप लोगों के सामने भी मैं इनको इस तरीके से यूज कर रही हूँ, इस तरीके से कर रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उतरे और ना ही अपनी जगह से हिले हैं, बहुत ही सो गए हैं।
और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है नेल्स की। तो फिर जाना है, आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ये अपने साथ लेके जा सकते हैं, रास्ते में लगा सकते हैं और बहुत इजी से ये लग जाते हैं, उतरते भी नहीं है और ना ही आप लोगों को नेल पेंट के ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा, ना ही आर्टिफिशियल नेल्स का प्रॉब्लम होगा कि वो उतर जाएंगे, क्योंकि इसको मैं काफी देर से लगा के चेक कर चुकी हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं उतरे। चाहे आप पानी में हाथ लगाएं या कहीं भी आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो ये नहीं उतरेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल से हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, नेल्स की लुक बहुत अच्छी आ रही है। ओके जी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।